मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली इन एडवांस गाइस। तो मैं आज आप लोगों के लिए दिवाली स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ, जहाँ पर मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताऊंगी एंड वो सॉल्यूशन आपको बहुत पसंद आएंगे। सो मेक श्योर वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड ये ऐसे सॉल्यूशन है जो कुछ आलसी लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। एंड मेरी दिवाली स्पेशल वीडियोस फोटोज देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। सो बिना किसी देरी के दिवाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे यार भूख लग रही है। हाँ? यार अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? रंगोली भी नहीं बनाने देता। ये रंगोली है, इससे अच्छी रंगोली तो मैं बना लेता हूँ। तो मैं कोशिश तो कर रही थी ना। कुछ बनाना है तो मोर बनाओ, गणेश जी बनाओ, कुछ फ्लावर बनाओ अच्छे अच्छे से। पता नहीं क्या बनाते रहते हो आप भी ना। अब इसे कौन बताए कि मुझे रंगोली का आर्ट नहीं आता यार। तो मेरे बस की ये डिजाइन वाली रंगोली तो है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना आर्ट एंड क्राफ्ट की हेल्प ले ली जाए। तो आपको इस टाइप के रंगोली स्टिकर स्टेशनरी में आराम से मिल जाएंगे। ये 30-40 रुपीस का पर पैकेट है एंड आप इसको एज अ रंगोली यूज कर सकते हो। तो मैं एक एक करके स्टिकर्स को अपनी टाइल पर इस तरीके से पेस्ट कर रही हूं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा गैप मेंटेन कर रही हूं ताकि मेरी रंगोली थोड़ी बड़ी दिखे। अब आप उस पैकेट से जो भी डिजाइन आपको पसंद है आप अपनी रंगोली के आसपास उसे डेकोरेट कर सकते हो। बस लास्ट में मैं शुभ लाभ और हैप्पी दिवाली भी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। दिए के बिना हर रंगोली इनकम्प्लीट है, तो चलो दिया लगाकर अपनी रंगोली कम्प्लीट कर ले। वाओ, मैंने कितनी अच्छी रंगोली बना दी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अच्छा जी दिखाना कितनी अच्छी रंगोली बना दी, हम भी देखें। आ देख। अरे वाओ, इसके कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। ये दिया छेड़ में तोड़ रहा है और इसके कलर्स भी नहीं निकल रहे हैं रंगोली के, क्योंकि ये स्टिकर है बेवकूफ। जिन लोगों को ड्रॉइंग बनानी नहीं आती, जिनसे रंगोली बार बार बिखरती रहती, तेरे जैसे भाई बार बार रंगोली खराब करते, उन लोगों के लिए ये आइडिया सबसे बेस्ट। अरे याद आया, आज तो मेरी पार्लर की बुकिंग है, कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हेलो भैया, आज मेरी फेशियल की बुकिंग है ना? हाँ जी मैडम, आ जाइए। हाँ तो कितने बजे तक आऊँ? शाम तक आ जाइए मैडम, बट वो ना फेशियल के प्राइस बढ़ गए हैं। प्राइस बढ़ गए हैं? पर क्यों? वो ना मैडम दिवाली भी आने वाली है ना, और महंगाई भी कितनी बढ़ गई है आपको पता ही है। एक काम करो भैया, वो फेशियल ना खुद ही कर लो, मैं अपना फेशियल घर पे कर लूंगी। क्या करूं, फेशियल करना है। एक काम करती हूँ, मैं वाव स्किन साइंस की उपटन रेस से घर पे ही फेशियल कर लेती हूँ। मी टाइम बिफोर दिवाली टाइम, खिल के मनाओ दिवाली। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वाव स्किन साइंस उपटन फेस वॉश यूज कर रही हूँ। इसके जो सिलिकॉन ब्रश है ये हमारी स्किन को जेंटली क्लीन करने में और उससे डर्ट रिमूव करने में हेल्प करेंगे। फेस वॉश करने के बाद स्किन एकदम फ्रेश फील कर रही है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ वाव स्किन साइंस उपटन फेस एंड बॉडी स्क्रब। इसकी खास बात यह है कि आप इसे फेस के साथ साथ अपनी पूरी बॉडी पर भी स्क्रब कर सकते हो। इस स्क्रब में जो छोटे छोटे ग्रैनुअल्स है ये हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे और जितने भी डेड स्किन सेल्स है उनको रिमूव करने में हेल्प करेंगे। और इतना ही नहीं, इसमें है चिकपी फ्लावर यानी कि बेसन, टर्मरिक एंड सैफ्रन एक्सट्रैक्ट, और ये सब मिलकर हमारी स्किन को दिवाली रेडी बनाने में हेल्प करेंगे। वाव स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स में कोई हार्श केमिकल नहीं है, जैसे कि सल्फेट, पैराबेन एंड सिलिकॉन। आप जेंटली स्क्रब करते जाएं। स्क्रब करने के बाद मैं इसे वॉश कर लूंगी। तो चलिए अब मैं अप्लाई कर रही हूँ उपटन फेस एंड बॉडी पैक। इस पैक में भी वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मिलकर हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेंगे, जैसे कि चिकपी फ्लावर, आलमंड पाउडर, टर्मरिक, सैफ्रन एक्सट्रैक्ट एंड रोज वाटर। अच्छे से पैक लगाने के बाद मैं इसके सूखने का वेट करूंगी। अब मेरा फेस पैक एकदम ड्राई हो गया, तो चलो इसे भी वॉश कर लेते हैं।
ये 3 स्टेप्स करने के बाद आप एकदम दिवाली रेडी हो जाओगे और ये हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेगा। तो गाइज मैं तो हो गई हूँ वाव की उपटन रेंज के साथ एकदम दिवाली रेडी। वाव के सारे प्रोडक्ट्स पर QR कोड मिलता है जिसे स्कैन करके आप डायरेक्ट वाव की वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। एंड थोड़े एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज माय कूपन कोड। तो इस दिवाली सेलिब्रेट गॉर्जियसली, बी वाव नेचुरली। दिए तो हम हर साल साधारण ही यूज करते हैं, लेकिन इस बार मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने दियो को कैसे रेडी कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ अलग अलग शेप्स के दिए हैं, तो मैं यहाँ पर उनकी शेप के अकॉर्डिंग उन पर कलर करूंगी। जैसे मेरे पास यहाँ पर सनफ्लावर शेप का दिया है, तो मैं इसे येलो, ब्लैक एंड ग्रीन कलर से डेकोरेट करूंगी। तो आप इस तरीके से वॉटर कलर को दिए पर अप्लाई करना स्टार्ट करें। हमने पेटल्स तो येलो कलर की कर दिए, चलो सेंटर पर छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स बना देते हैं ताकि हमारा सनफ्लावर रियलिस्टिक लगे। और बस लास्ट में लीफ को ग्रीन कलर करके हमारा सनफ्लावर दिया एकदम रेडी है। तो बस ऐसे ही मैंने हर दिए को उनकी शेप के अकॉर्डिंग उन पर प्यारे प्यारे कलर कर दिए। इन दियो को कलर करने से पहले आप एक रात दियो को पानी में भिगो कर रखे ताकि दिए ज्यादा तेल ना पिए। कमेंट में बताना कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा वाला दिया पसंद आया। हैप्पी दिवाली। अरे बेटा बालों को संभाल के। थैंक यू। अरे बेटा दिवाली के दिन खुले बाल करके क्यों घूम रही हो? वो दिवाली एक ही दिन तो आती है साल में, तो इसलिए हम लड़कियां पूरा रज के सजती है, तो इसलिए मैंने बाल खुले कर दिए थे। दिवाली पे सजना तो अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसा भी तो हेयर स्टाइल बना सकती हो जिससे तुम्हारे बाल जले ना और तुम्हारे बाल भी सुंदर लगे। थैंक यू, आपने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया। अब मैं जाती हूँ और वो हेयर स्टाइल बनाकर आती हूँ जिससे मेरे बाल भी इस आग से बचे रहेंगे, एट द सेम टाइम मैं स्टाइलिश लगूंगी। ओके बाय। अक्सर दिवाली में हम लड़कियों के बालों के लिए रिस्क हो जाता है क्योंकि हर जगह कैंडल्स एंड दिए जले रहते हैं और हमारे लंबे लंबे बालों के जलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने बालों पर बना रही हूँ फ्रेंच ब्रेड, और इसे बनाने के लिए आपको आगे से अपने एक स्ट्रैंड लेनी है, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड उसे हल्का हल्का गुथना स्टार्ट करना है। 2 बार गुथने के बाद आपको दोनों साइड से एक एक करके छोटी छोटी स्ट्रैंड्स कलेक्ट करती जानी है और अपनी ब्रेड बनाती जानी है। फ्रेंच ब्रेड बनाना बहुत आसान है, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स कलेक्ट करते जाओ और अपनी ब्रेड बनाते जाओ। जैसे आप ब्रेड बनाते हुए नेक तक आ जाए तो उसे आगे की तरफ लाकर उस पर परांदे को इस तरीके से अटैच करके उसे भी गुथना स्टार्ट करें। जैसे आपके असली बाल गुथने बंद हो जाए तो आप बाकी बचे परांदे को भी नीचे तक ब्रेड करते हुए लाएं और उसी परांदे की हेल्प से कुछ इस तरीके से उसमें गिठान बांध दें। अगर आपको परांदे से गिठान बांधनी नहीं आती है तो आप रबर बैंड का भी यूज कर सकते हो। परांदी बांधने से आपके बाल एकदम सेफ रहेंगे, एट दी सेम टाइम आपको एक नया लुक मिल जाएगा। So that's it for today's video. Celebrate gorgeously, be wow naturally. मैंने wow की उपटन रेंज के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करे हैं, तो उन्हें चेकआउट जरूर करना। एंड आई होप आपको आज का लास्ट मिनट दिवाली आइडियाज वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, बिना लाइक के मत जाना। और मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपकी दिवाली में सबसे फेवरेट मिठाई कौन सी है। मेरी तो सारी फेवरेट है। एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली।